साथियों नमस्कार। आज से मैं लगभग 10 वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज टॉपिक से, ठीक है, एक से लेके 10 तक सीरीज में मैं वीडियो बनाऊंगा साथियों। तो मैं ये चाहता हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उन लोगों को भी वीडियो शेयर करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज हो। आपका भी 100% खर्च है, पूरे 10 वीडियो देखना, ताकि आप किसी भी चीज में आप मात ना खाएं, आपके साथ धोखा चीटिंग नहीं हो। 10 सीरीज में वीडियो डालूंगा और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, ताकि एक वीडियो आप देखो तो सब वीडियो आपके सामने आ जाएं। तो अपन आज शुरुआत करते हैं एजेंट के बारे में। जी हाँ साथियों, शायद यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में डालूंगा कि एजेंट होता क्या है, कौन एजेंट होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, एजेंट लोग एजेंटी करते कैसे हैं, ठीक है। तो साथियों एजेंट से रिलेटेड आज बात करेंगे, जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एजेंट का मतलब साथियों क्या होता है, एजेंट इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करें तो इसका होता है दलाल, ठीक है। और दलाल को और अगर अपन थोड़ा सा विस्तार से देखें तो होता है कमीशन, जो कमीशन बेस पे काम करता है उसको एजेंट बोलते हैं, हिंदी में उसको दलाल बोल देते हैं, ठीक है साथियों। एजेंट वो होता है जो लोगों को एक फर्स्ट और सेकंड पार्टी के बीच में रह के कोई काम को अंजाम दे, बीच में अपना कमीशन ले, ठीक है, उसी को अपन एजेंट बोलते हैं। अब एजेंट जरूरी नहीं होता जो विदेश भेजते हैं वही एजेंट होता है, हर चीज में एजेंट होता है। कमीशन, जो आदमी कमीशन बेस पे काम करता है, अपनी कमीशन लेता है, जैसे LIC एजेंट, आपने सबने सुना होगा LIC एजेंट होता है, बीमा एजेंट होता है, रिकवरी एजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं जिसमें वो बिचौलिए की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, ऊपर वाले और आपके बीच में, सेकंड पार्टी या थर्ड आप हो गए, सेकंड वो और फर्स्ट बीच में, सबके बीच में, जो तीनों के बीच में जो कॉम्प्रोमाइज करके उनकी सेटिंग करवाता है, बीच में कमीशन लेता है, उसी का काम होता है एजेंट, वही एजेंट कहलाता है। अब एजेंट कितने प्रकार के होते हैं इसमें भी मैं बता दूं, एजेंट साथियों दो प्रकार के, मैंने जहां तक सोचा है, मैंने रियलाइज करा, एजेंट दो प्रकार के होते हैं। कैसे, एक लीगल एजेंट होता है जो ईमानदारी से पूरा सिस्टम करता है, एक इलीगल एजेंट होता है जो इलीगल मतलब समझ गए, लोगों को बेवकूफ बनाना, उनसे पैसे हटना किसी भी चीज में, ठीक है, उसको बेवकूफ बनाना, वो गलत काम करता है, वो इलीगल एजेंट जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इसमें मैं कुछ चीजें बता दूं आपको, लीगल एजेंट कौन से होते हैं, लीगल एजेंट कौन से होते हैं कि जो अपना कमीशन लेते हुए पार्टी का काम करवा देते हैं, जिसमें दोनों को फायदा होता है, एजेंट को अपना कमीशन मिल गया, आपका काम हो गया, आप भी खुश हो जाते हो क्योंकि आपका पैसे लगे लेकिन काम हो गया, ठीक है, उसको उसके बदले कमीशन मिल गया, ठीक है साथी, उसमें दोनों का नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, ईमानदार लीगल एजेंट वो होते हैं, मान लीजिए आपसे आपने पैसे दिए उसको, चाहे विदेश भेजने के नाम से दिए होंगे, चाहे किसी भी क्षेत्र के में दिए होंगे, लेकिन आपका काम नहीं हुआ, आपका काम बिगड़ गया, ठीक है, काम में परेशानी आ गई, काम बंद हो गया, काम नहीं हो रहा है, तो एजेंट ने जो आपसे पैसे लिए हैं, एजेंट ने जो पैसे आपसे लिए हैं वो आपको सकुशल वापस कर दे, वो होता है लीगल एजेंट, यानी ईमानदारी से काम कर रहा है, काम नहीं हो तो भैया पैसा पकड़, बात खत्म, ठीक है साथियों। तीसरा पॉइंट इसमें यह आ जाता है कि एजेंट को कमीशन मिल जाता है, वो भी खुश, आपका काम हो जाता है, आप भी खुश। तो एजेंट भी दो तरीके के होते हैं, मैं ये स्टार्टिंग वीडियो है, हो सकता है आपको पसंद नहीं है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप 10 वीडियो पे बात करूंगा, जो आपको आगे आने वाले टाइम पे इंटरेस्टेड होते रहेंगे आपके लिए। तो मैंने आपको बता दिया एजेंट दो प्रकार के होते हैं, आप जब भी कोई जरूरी नहीं विदेश से रिलेटेड हो, कोई भी काम अगर एजेंट के माध्यम से करते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक करें, आपको लगना चाहिए कि यार अपने साथ कुछ हो नहीं जाए, एजेंट कैसा है, तो इस चीज पे आप विश्वास थोड़ा करने से पहले उसको जांच लें, परख लें, ताकि आपके साथ चीटिंग नहीं हो। मेरे हिसाब से मैंने कुछ जानकारी दी है, नेक्स्ट वीडियो में अपन और बात करेंगे इलीगल, लीगल एजेंट होते हैं उनकी तो कोई टेंशन नहीं होती, इलीगल यानी गलत एजेंट होते हैं वो अपने साथ क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साथियों। वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको प्रेस कर लें, ताकि नई जानकारी नई सिचुएशन के साथ आपको मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।